सरदार शहर पारिक नवयुग मंडल के तत्वावधान में पारिक समाज का होली स्नेह मिलन समारोह बाबू शोभाचंद जम्बड़ भवन में संपन्न हुआ। इस मौके पर कलाकारों ने चंग की थाप पर लोक गीतों पर शानदार प्रस्तुति दी। नेपाल प्रवासी ओम प्रकाश जोशी की अध्यक्षता में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि मांगीलाल पारिक, राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष अनिल शर्मा, विशिष्ट अतिथि पूनम चंद तिवाड़ी, BDO दुर्गाराम पारिक आदि वक्ताओं ने शिक्षा एवं एकजुटता पर जोर दिया। इस अवसर पर क्षेत्र की गौशालाओं के संचालकों का सम्मान भी किया गया। समाज के हित में पारिक नवयुग मंडल के युवकों द्वारा ये दूसरा कार्यक्रम, दूसरा नहीं, इससे पहले भी आयोजित किए जाते थे, लेकिन ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इससे समाज के नवयुवकों को एक नई दिशा मिलेगी, महिला शिक्षा के लिए और अच्छा वातावरण पैदा होगा। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि समाज में जो लोग, जिनके पास साधन नहीं है या साधनों की कमी है, उन लोगों को सारे सब लोग मिलकर साधन उपलब्ध करवाएं और एक नए समाज की संरचना नवयुग मंडल के द्वारा, पारिक मंडल के द्वारा हो, ऐसी आशा और अभिलाषा के साथ हम लोग ये कार्यक्रम हर वर्ष करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। भगवान हमें बुद्धि देवे, सद्बुद्धि देवे और हम ये कार्यक्रम आगे भी करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सामने पारिक जितने हैं सब आए हैं, बाहर से जो सम्मानित कार्यक्रम किया है लोगों ने, उनको सम्मानित किया है और बहुत खुशी हर्ष का अनुभव हो रहा है उनको। समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जैसे दहेज का तो खैर क्या होगा, करोड़ों वर्षों से चला रहा है, लेकिन जो ये संबंध का छूटना, संबंध न होना, या बच्चियों का दुख पाना, बच्चों का दुख पाना, संबंध कोर्टों में जाना, ये सब का समाधान होना चाहिए। इसी प्रकार की बातें भी हुई। आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसको? युवा पीढ़ी को यही है कि आप अपने प्रगति के रास्ते पर चलें और सबके साथ मिलकर के चलें, सबको साथ में लेकर चलें, और जो अपने समाज के जो वृद्ध लोग हैं, गुजर लोग हैं, जिन्होंने अपनी इज्जत कमाई है पारिक समाज की, पूरे समाज में और बाहर भी, उसको कायम रखें।